राधे राधे दोस्तों, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी आपसे मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। देख पा रहे होंगे इंजन और अल्टरनेटर का भंडारी भंडार है। हमेशा आपके कमेंट आते रहते हैं कि छोटा अल्टरनेटर बताइए सर, उसको हमें जनरेटर बनाना है घर के बिजली के लिए और घर के वर्क के लिए। जंगल में रह रहे हैं या ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ बिजली अभी पहुँची नहीं है, और हमें जैसे खेतों में पानी वानी निकालना हो या छोटे मोटे वर्क करने हो, उसके लिए 3 KV का अल्टरनेटर है फुल कॉपर में, और ये 4.5 HP तक का बिजली देगा। और कैसे कैसे वर्क करेगा क्या है एकदम डिटेल से जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हरि का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट पर रहिए। चारों तरफ से दिखाओ जरा, इधर से भी दिखाओ, देख पा रहे एकदम इंजन का भंडार एकदम कसके रेडी है, और ये सबका जनरेटर बनने वाला हो। बहुत ही नई टेक्नोलॉजी का जनरेटर बनाएंगे हम इसमें मिक्सर मशीन जो है हमारी, दिखा दो एक बार, मिक्सर मशीन है जो कंक्रीट मिक्सर मशीन है यहाँ पे बन रही है, इसके अंदर हम जनरेटर भी लगा के देंगे साथ में। यानी साइड पे छोटी मोटी बिजलियों का सारा जो आपका डिमांड है वो पूरा करेगा। देख पा रहे होंगे इसकी केबिन हमने बड़ी इसलिए बना रखी है, देखिए किस तरह से बड़ी केबिन बना रखी है। इसके अंदर इंजन और मोटर, वो इंजन और अल्टरनेटर दोनों आएगा। इसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगा बना के, एकदम सेपरेट वीडियो, वीडियो के लास्ट बन रही है। फिलहाल जो काम करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको उसके बारे में बता दूँ आपको, ये 3 KV का अल्टरनेटर है। ये देखिए सिंगल फेस की लाइट देगा ये, 220 वोल्ट इससे निकलेंगे। अगर RPM आपको बराबर रखनी है तो ये 3 इंची की पुली इसमें है, और 1440 RPM इसके अंदर है, तो इसमें भी 3 इंची की पुली रहेगी। इसके अंदर हम बेल्ट सिस्टम भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसके अंदर हमारा ये इंजन रखा हुआ है, अभी मैं इसमें जल्दी जल्दी बस डेमो करके दिखा रहा हूँ, एक इसकी स्पेशलिट वीडियो बना के दिखाऊंगा जब हम मिक्सर मशीन में रखेंगे। यहाँ हम पुली लगा देंगे, सामने से दिखाओ, यहाँ हम पुली लगा के सामने बेल्ट चढ़ा देंगे, और बेल चढ़ा के फिर इससे बिजली निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है रनिंग आएगी 1440 आएगी, और 220 वोल्ट है। इसके लिए जो इंजन चाहिए आप 5 HP का भी इंजन यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो ये बहुत बड़े इंजन है, 10-10 HP के इंजन है, और इंजन हम खुद देख रहे हैं, खुद किट लेके बांध रहे हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना ली है, डालूंगा बहुत जल्दी आपके पास डालने वाला हूँ। एकदम देखिए लाइव इंजन कैसे बन रहा है, इसकी वीडियो मैं डालूंगा और इसके बारे में और डिटेल से जानकारी दूंगा। तो कैसी लगी ये जानकारी और कैसा लगा ये वीडियो मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। इसके अंदर और एक्स्ट्रा क्या जानकारी चाहिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें अल्टरनेटर रख के और ग्रीफ्स का इंजन लगा के एक जनरेटर बनाया था, जिसको आपने बहुत पसंद करा, और उसमें बहुत सारे कमेंट करे कि हमें डीजल इंजन में बताओ, और उसके अंदर RPM ज़्यादा था भाई, 3000 RPM था। तो उसके RPM करने के लिए आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि PTO का सिस्टम लगाना पड़ेगा, वो ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये अल्टरनेटर फूक जाएगा ज़्यादा RPM पे। और जो हम इक्विपमेंट्स यूज करेंगे जैसे बल्ब जला रहे हो, कूलर चला रहे हो, या फ्रिज या जो भी चला रहे हो, वो फूक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो ज़्यादा तेज़ चलेगा तो वोल्टेज ज़्यादा देगा। हमेशा इसको जनरेटर को लगा के 220 वोल्ट पे ही चलाना चाहिए, और उस पर ये वर्क करेगा। तो ये सिंगल फेस का छोटा सा अल्टरनेटर है, आप छोटे से इंजन से इसे यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही सस्ता भी आता है डायनेमो। ये आपको अगर ये लेंगे तो कम से कम 20-22 हज़ार के अंडर में आ जाएगा ये 3 KVA का, और जितना ही ऊपर का जाएगा उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा ये इंजन और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।